नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के पास एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें अब तक कम से कम 10 लोगों के मौत की खबर आ रही है। ये धमाका काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक होटल है उसके आसपास हुआ बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये धमाका किसने किया है और कैसे किया है। हालांकि इस बारे में एक चीज़ कंफर्म हो गई है और वो ये है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें फिलहाल कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हैं, इसमें कई विदेशी नागरिक घायल हैं और कई विदेशी नागरिकों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इस हमले से पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन ऐसे देश थे जिन्होंने अपने अपने नागरिकों को ये चेतावनी दी थी कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर कभी भी आत्मघाती हमला हो सकता है, बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लाखों लोग जमा हैं जो उस देश को छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं और इस भीड़ के जमा होने की वजह से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि वहाँ कभी भी हमला हो सकता है। और इस हमले के पीछे जो सबसे बड़ी आशंका जताई जा रही थी वो ये थी कि ये हमला आईएस जैसा खतरनाक आतंकी संगठन कर सकता है जिसका तालिबान से 36 का आंकड़ा है। ये खबर सुबह आई थी, ये आशंका सुबह जताई गई थी और इस खबर के आने के 12 घंटे के अंदर ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें 10 लोग मारे जा चुके हैं, कितने घायल हैं नहीं पता है, ये ब्लास्ट किस चीज़ से किया गया है फिलहाल कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये है कि अब भी काबुल एयरपोर्ट पर लाखों लोग जमा हैं जो किसी तरीके से वहाँ से अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। इसी एक कोशिश में इटली का एक विमान वहाँ से उड़ान भर रहा था तो उस पर फायरिंग भी की गई थी, हालांकि उसमें कोई घायल नहीं हुआ था। उस विमान में 100 लोग सवार थे लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा और विमान हवा में टेक ऑफ कर गया था। लेकिन उस घटना के थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और उसमें कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर आती है। तो फिलहाल के हालात ये हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है, लाखों लोग वहाँ मौजूद हैं जो वहाँ से निकलना चाहते हैं हर कोशिश के बाद लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं और उनके पास निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त तक ही तारीख है, क्योंकि तालिबान ने कहा है कि 31 अगस्त तक अमेरिका अपने सारे लोगों को वहाँ से निकाल ले, उसके बाद वो किसी को जाने नहीं देंगे। तालिबान बार बार ये बात कह रहा है कि अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान छोड़कर न जाएं, अफगानिस्तान में जो विदेशी हैं वो भी अफगानिस्तान छोड़कर न जाएं और अफगानिस्तान को बनाने में सहयोग करें, लेकिन न तो विदेशी नागरिक और न ही अफगान के आम नागरिक तालिबान की बात पर भरोसा कर पा रहे हैं और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो उस देश को छोड़कर बाहर निकल जाएं। और रही बात भारत की, तो भारत में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार इस बातचीत हो रही है और कोशिश की जा रही है, नज़र रखी जा रही है कि वहाँ पर आगे क्या स्टेप लेने हैं, क्या कदम उठाने हैं। हालाँकि एक दिन पहले जब यहाँ पर जनरल विपिन रावत जो हमारे देश के CDS हैं उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भारतीय सेना तैयार है और वो तालिबान से उसी तरह से निपटेगी जिस तरह से यहाँ पे आतंकियों से निपटने की भारतीय सेना की ट्रेनिंग है। तो ये तो सेना की बात रही, लेकिन कूटनीतिक स्तर अलग चीज़ें होती हैं, एक देश है उससे रिश्ते बनाने अलग चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल भारत वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, वो देख रहा है कि तालिबान में हालत कैसे बदलते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, उसके बाद वहाँ पर रिश्ते कैसे रखने हैं भारत को, ये देखना एक बड़ा अहम होगा, क्योंकि भारत का वहाँ पर बहुत पैसा लगा है। भारत अफगानिस्तान में करीब 400 प्रोजेक्ट्स चला रहा है जिसमें उसके पैसे लगे हैं, स्कूल बनाए हैं, बांध बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत का वहाँ पे लगा हुआ है, टेक पे है। भारत अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स खरीदता रहा है, जो फ्रेश ड्राई फ्रूट्स भारत में आते हैं वो अफगानिस्तान पे से ही आते हैं, यहाँ से फार्मास्यूटिकल्स की चीज़ें भेजी जाती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट भेजे जाते हैं, चीनी भेजी जाती है अफगानिस्तान में, तो ये कारोबार भी फिलहाल बंद है। लेकिन अफगानिस्तान के हालात किस कदर ख़राब है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी अभी काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा धमाका हुआ है और उसमें कुल कितने लोग मरे हैं अब भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है, अब भी इस बात के आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं और अभी इसी की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। तो जो भी ये होगा वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान के हालात पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब बताए जा रहे हैं। तो हमारी नज़र बनी हुई है, आप भी अपनी नज़र बनाए रखिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।